हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। यूपीपीसीएस 2022 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट ना हो, टॉपिक भी रिपीट हो ना, तो हमारा काम बन जाए, हमारा इससे भी हो जाए। तो यूपीपीसीएस पहले हम 2022 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 51 से 100 क्वेश्चन। अब एक चीज और बता दो, डेली अब 9 AM में प्रीमियर होगा एक वीडियो 50 क्वेश्चन। अब जब तक यूपीपीसीएस का एग्जाम ना होता है, तब तक 50 क्वेश्चन चलता ही रहेगा। हम लोग 2022 के बाद 21, 21 के बाद 20, 19, 18, 17 ये करते रहेंगे, और ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं। तो आपको 9 AM में तैयार रहना, ठीक है? और ये नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करना अगर कोई भी डाउट हो। इवन आप कंट्रीब्यूशन अगर करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ठीक है? चलिए, ये हमारे कुछ कोर्सेस हैं, ये भी ज्वाइन करने के लिए इसी नंबर पे मैसेज करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट। यहाँ पे हिल और माउंटेन के बारे में है, हिल और माउंटेन के बारे में। देखो, जो बतेश्वर हिल है ना, वो बिहार में है, भागलपुर के पास है। तो बतेश्वर हिल बिहार में, भागलपुर के पास है। उसके बाद चीन रेंज की बात करते हैं, तो ये बर्मा और जो म्यांमार और मणिपुर के बीच में है, तो ये मणिपुर। उसके अलावा दोसी हिल्स, दोसी हिल्स कहाँ पे है? ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये पहले वोल्केनो हुआ करता था, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। उसके अलावा एक है बिलारी रेंज, ये है कर्नाटक में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 51 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो कि 1985 में बना था। गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट मेन का क्या था कि भाई पॉल्यूशन को दूर करते हैं, सिंपल। ये किस टाइप का स्कीम है? तो ये हो गया, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसलिए इसके प्लान के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी, जिसका नाम था नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी। ये दो फेज में स्टार्ट हुआ। फेज वन सिर्फ 3 स्टेट में स्टार्ट हुआ था, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। फेज टू टोटल 7 स्टेट में स्टार्ट हुआ, ठीक है? एक और चीज याद रखिएगा, इसके अलावा एक और चीज देखिएगा, ये सभी प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगी, ये ठीक है। उसके अलावा जो इम्प्लीमेंट करती है गंगा एक्शन प्लान, इसके लिए अथॉरिटी मैंने एक बता दिया। ये अथॉरिटी को चेयर कौन करते? प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करते हैं, याद रखना। सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आएगा। पीएम मोदी जी या जो भी उस समय के पीएम होंगे, वो इसको चेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का कुछ कंक्वेस्ट है, किस किस को अलाउद्दीन खिलजी ने हराया? तो कुछ कुछ प्लेस का नाम दिया है, तो एक बार देख लेते हैं किस किस जगह को हराया। सबसे पहले बात करते हैं, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? खिलजी डायनेस्टी से, खिलजी। उसके बाद पहला प्लेस इन्होंने हराया 1299 में, किसको? गुजरात को, 1299 में गुजरात को, ठीक है। सेकंड रणथंबोर को, पहला गुजरात, यानी पहले ऑप्शन में क्या होगा? दो, ठीक है। उसके बाद रणथंबोर, रणथंबोर है 1। उसके बाद है चित्तौर, चित्तौर यानी 4। उसके बाद वारंगल यानी तिरंगा, यानी सी करेक्ट स्टेटमेंट है। एक बार थोड़ा और जान लेते हैं किसी के बारे में, जैसे गुजरात, ये रूलर बनने के बाद पहला आर्मी अटैक था। इस समय गुजरात का किंग कौन था, ये भी आप याद दें? करना था रूलर, कर्ण करके बोल सकते हैं। उसके बाद रणथंबोर किसके द्वारा? चौहान डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता है, चौहान डायनेस्टी। और नेक्स्ट क्या है, इतना याद रख सकते हैं, सी ऑप्शन। अब एक एक दो ऑप्शन और डिस्कस कर लेते हैं इनके सिस्टम के बारे में। एक दाग एंड चेहरा सिस्टम, दाग एंड चेहरा सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था, दाग एंड चेहरा सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा ये पहले सुल्तान था, पहला सुल्तान था जो लैंड रेवेन्यू कैश में कलेक्ट करता था, कैश में कलेक्ट करता था लैंड रेवेन्यू, इतना याद रख सकते हैं। उसके बाद मार्केट रिफॉर्म्स में एक सहनाई मंडी वगैरह आपको आएगा ना,
तो ये मार्केट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था। नेक्स्ट क्या है, हुई ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एज अ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछ रहा है पार्ट्स, तो सबसे पहला पार्ट होता है यूनियन एंड टेरिटरी, उसमें टोटल चार आर्टिकल है 1 से 4। सेकेंड है सिटीजनशिप, उसमें आर्टिकल है 5 से लेके 11। पार्ट थर्ड है जिसमें फंडामेंटल राइट का जिक्र है 12 से 35। पार्ट फोर है डीपीएसपी जिसमें 36 से 51 है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A है। फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला कौन है, सबसे पहले 1 1 3 4 2, 1 3 4 2 आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो इसके बाद का कोई रिपोर्ट नहीं आया, 2023 वाला भी रिपोर्ट नहीं आया, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता कौन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। और निकालने के लिए तीन बेसिक चीज देखता है, पहला लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ। सेकेंड क्या है, सेकेंड है एजुकेशन एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब एजुकेशन, और थर्ड है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीन पॉइंट देखता है, पहला पहला क्या है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकेंड एजुकेशन, थर्ड है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इतना याद रख सकते हो। और देखो सबसे अच्छी रैंक थी स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड का पॉइंट था 0.962, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड, लेकिन वो सब रैंकिंग नहीं दिया। इसमें आप गेस भी कर सकते हो कि हांगकांग वगैरह सब काफ़ी डेवलप है, तो हांगकांग पहले है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, हांगकांग फिर ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा अब खुद सोचो रसिया इतना ऊपर क्या करेगा, तो पहले 3 फिर 4 फिर 1 फिर 2, तो 55 का सी हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्या है, एक आसाम और मेघालय के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट था, बहुत पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट था। एक चीज़ और याद रख सकते हो, जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो आई है 132, इंडिया की रैंकिंग आई है 132 आउट ऑफ 190 कंट्री, ठीक है ना, 132 आउट ऑफ 190, ये भी पूछ सकता है। और इंडिया का जो पॉइंट है ना वो 0.633, पिछले बार से थोड़ा घटा है। आसाम मेघालय का जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो उसमें चीफ मिनिस्टर आसाम के पहुंचे थे, और बस जो होम मिनिस्टर थे ना वो उन्होंने असिस्ट किया था, होम मिनिस्टर। यहाँ पे देख क्वेश्चन पूरा साइंड, ये नहीं बोले कि कौन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, साइंड किए तो बस यही दोनों साइंड किए, इन्हो ये बस पहुंचे थे बट साइन नहीं किए, याद रख सकता। अब देखो एक चीज और, ये बहुत सारे स्कीम पूछा जाता है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, ऐसे प्रोग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो चले आ रहे हैं, तो मेक इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2012-14 में, और मेन फोकस क्या है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बूस्ट देना। तो क्या है, इट एम्स टू इनकरेजिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, तो दोनों करेक्ट है। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, जल्दी जल्दी में सी लगा देते हैं, क्योंकि अधिकतर में सी ऑप्शन में होता है ए अभी, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन में है ए अभी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई सारे बैटल है औरंगजेब के, कई सारे बैटल है औरंगजेब। सबसे पहले जो सुजा को हराया बनारस के पास, ठीक है ना, ये हुआ था एक्चुअली फरवरी 1658 में, ये काफ़ी क्लोज सब दिया हुआ है। उसके बाद तो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आता ना छोड़ दो, धर्मत की बात करते, धर्मत उसके बाद है, और उसके थर्ड पे है समुद्रगढ़, फिर है देवराई, पहला सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पहले होगा ऑप्शन में 2 2 के बाद 4 फिर 3 फिर 1, तो 58 का ऑप्शन क्या होगा, डी। साइनोवैक जो कि COVID-19 के लिए दिया जाता था, इसका बस याद रखिए साइनोवैक की बात करते हैं, होल वायरस वैक्सीन है, ठीक है। कौन सा इसमें सुन्नी ट्रायंगल का पार्ट नहीं, इराक का जो सुन्नी ट्रायंगल है ना उसमें तीन पॉइंट आता है, तीन पॉइंट मैं बताता हूँ कौन कौन है। एक पॉइंट है नॉर्थ में टिक्रिट, ठीक है ना, टिक्रिट, और इस साइड में क्या है बगदाद, बगदाद, और एक इस साइड में क्या है अल रामादी करके, रामादी। तो ये पार्ट बसरा तो नहीं है ना,
तो सुन्नी ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें बसरा नहीं है, मतलब ये बोला कि ये तीनों एरिया है ना मोस्टली सुन्नी लोग रहते हैं, ठीक है सुन्नी लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो प्योरली करेंट अफेयर्स है, आप छोड़ सकते हो इसको, 61 का वैसे ए था। देखो जल जीवन मिशन इसके अंदर क्या था कि 2024 तक टैप वाटर सबके पास पहुंचाना है, 2024 तक जितने भी हाउस होल्ड है ना रूरल इंडिया में उनको टैप कनेक्शन पहुंचाना है। तो ये किस बजट में ये स्कीम आया था, ये आया था 2021-22 वाले बजट में, 2021-22 वाले बजट में। तो ये तो क्लियर क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल, इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, ऊन या प्लास्टिक कप या एल्युमिनियम फॉयल या ग्लास बॉटल, इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। जो ऊन होता है ना ऊन, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, याद रखिए बायोडिग्रेडेबल होता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो आसान है, गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ 1913 में। देखिए गदर पार्टी 1913 में बना था, ये हम सबको पता है। आर्मरी रेड जो कि सूर्य सेन ने करवाया था, सूर्य सेन जिनको मास्टर दा बोला जाता था, मास्टर दा, ये 1930 में हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी जो कि बर्लिन में बना था 1915 में, तीन लोग का मेन नाम है यहाँ पे। देखो गदर पार्टी में भी लाला हरदयाल जी का नाम है, सोहन सिंह बखना जी का नाम है, यहाँ पे तीन लोग का नाम है। एक है बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल, एक है वीरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ और लाला हरदयाल, तीन नाम यहाँ पे याद रखना। और सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस ये 1928 के आसपास हुआ। तो यहाँ देखिए ए फिर होगा, फिर पहले 1342, 1342, क्लियर। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा नहीं, बिल्कुल करेंट अफेयर्स बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था। तो उत्तराखंड में 77 सीट है, गोवा में 40 सीट है, यूपी में 403 सीट है, मणिपुर में 62 सीट नहीं है, कितने हैं फिर, 60 सीट है एक्चुअली। सल्फा ड्रग ये किसके एग्जाम्पल है, सल्फा ड्रग किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एंटी बैक्टीरियल का। 67 भी प्योर करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो इसका बस मैं आंसर बताता हूँ, साजन प्रकाश। तो आप याद रखना साजन प्रकाश किस गेम से रिलेटेड है, स्विमिंग से रिलेटेड है, साजन प्रकाश स्विमिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, यूनाइटेड नेशन, ये देखो प्योर ये एलिमिनेशन है, कभी भी यूनाइटेड नेशन अगर पॉवर्टी को डिफाइन करेगा, अब देखो कभी भी यूनाइटेड नेशन पॉवर्टी को डिफाइन करेगा उसका मकसद बहुत छोटा थोड़ी होगा, वो ऐसा थोड़ी वाला है कि भाई खाली पैसा की कमी है तो इनकम पॉवर्टी नहीं, ह्यूमन पॉवर्टी दोनों पॉवर्टी की बात करता है। 1965 में बनाया गया था, डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करता है, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है, यूनाइटेड इंडिया पार्ट है, हाँ यस इंडिया पार्ट है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दोनों पॉवर्टी की बात करता है। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने अनाउंस किया है डॉल्फिन डे। डॉल्फिन डे किस दिन को, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो स्टार्ट हुआ था ना 2019 में स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2019 में स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन से रिलेटेड, जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर है ना उसी तरह प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। इसका हैबिटेट क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना रिवर में इसका है, ठीक है। इसको सूसू भी बोला जाता है क्योंकि ये उसी तरह का आवाज करता है, मान लो ये क्या करता है देख नहीं सकता है लेकिन एक अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करता है, ठीक है ना। तो सामने वाला प्रे के पास पहुंच के लौट जाता है तो इसको पता चल जाता है कि प्रे हमसे कितना दूरी पे है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सूसू, सूसू, ठीक है। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये इंडिया का एक्वेटिक एनिमल का क्या नाम है, तो एक्वेटिक एनिमल क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें तो ये शेड्यूल 1 में आता है, इंडेंजर आता है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, आर्यक पिलर आपसे पूछ रहा, पूछा द फॉलोइंग स्तूपा द फीचर्स ऑफ ए प्लेटफॉर्म विथ आर्यक पिलर, ये कहाँ पे, अमरावती, अमरावती स्तूपा में, तो अमरावती स्तूपा में क्या है, आर्यक पिलर है, याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ ध्यान दें, नागार्जुन कोंडा का 2 वर्ष बना है, एक है नागार्जुन और एक है कोंडा। नागार्जुन का मतलब होता है एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे बहुत फेमस, और कोंडा का मतलब होता है हिल्स, ठीक है ना। और ये बुद्धिस्ट का लर्निंग सेंटर भी माना जाता है, इसको हम विजयापुरी भी बोलते हैं,
जो इक्ष्वाकु किंजन थे ना उसकी कैपिटल थी विजयापुरी। बोध गया तो आपको पता है बिहार में है, और महाबोधि टेम्पल जो बोध गया है ना उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। अब यहाँ पे देखिए आगरा और दार्जिलिंग ये लोकेटेड है सेम लेटिट्यूड पे। यही क्वेश्चन मैंने अभी अभी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जब कराया था ना घटना चक्र से, तो ये क्वेश्चन मैंने अब जो अभी वह भी कल जो क्वेश्चन टॉपिक मैंने डाला है बायोडाइवर्सिटी में उसका पहला टॉपिक मैंने यही डाला है कि आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लेटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी ऑफ आगरा इज 60 डिग्री सेल्सियस वेर इज ओनली 4 डिग्री सेल्सियस इन दार्जिलिंग। मेन कारण है एल्टीट्यूड का, ठीक है, ऊंचाई का कारण है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाई ड्यू टू द थिन एयर, प्लेसेस ऑफ माउंटेन आर कूलर देन द प्लेस। ऑब्वियसली ऊपर क्या है, हाइट ऊपर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब वो कूल होता जाता है, तो ए करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर के किस टाइप के इंजन में यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में यूज होता है, ठीक है। इसमें कौन करेक्टली मैच है, ठीक है, केरला में रबर मिलता है, याद रहे केरला में रबर मिलता है, यही करेक्ट है। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा जूट वेस्ट बंगाल में मिलता है। सबसे ज़्यादा वीट कहाँ पे मिलता है, वीट यूपी में मिलता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पैडी यानी राइस कहाँ मिलता है, राइस वेस्ट बंगाल में मिलता है। सबसे ज़्यादा टी आसाम में मिलता है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में मिलता है। कुछ चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई सुप्रीम कोर्ट ये 1973 में, व्हिच केस, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगला क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है, वेस्टर्न यूपी के बारे में, कि वेस्टर्न यूपी ज्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू अदर रीजन, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन रिवोल्यूशन भी यहाँ हुआ था। दोनों करेक्ट है। यहाँ पे देखो ईश्वर चंद विद्यासागर जी के बारे में ये तो हमको पता होगा, ईश्वर चंद विद्यासागर जी इन्होंने ये प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज ऑफ कोलकाता के, तो सी का हमने 4 निकाल लिया। उसके अलावा जे डी के कार्वे, डी के कार्वे ने क्या किया था, ये सेक्रेटरी थे बीडो रिमैरिज एसोसिएशन को। जे ई डी वेथु ने इन्होंने एक स्कूल बनाया था कैलकाटा में। उसके अलावा बी एम मालवारी इन्होंने क्या किया था, क्रूसेड बनाया था अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, तो ये ध्यान रख सकते हो। थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन है, कौन से मैमल, देखो कौन से मैमल, क्योंकि आपको पता है मैमल में मैमरी ग्लैंड होता है, तो यानी ये क्या करते हैं डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे एकिडना होता है, ये किडना, या एक और दे सकते हैं प्लेटीपस, प्लेटीपस ये ऑस्ट्रेलिया एरिया वाले एरिया मिलते हैं, और ये एक्चुअली एक देते हैं, ऐसे मैमल है जो एक दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा उल्टा होता है, मतलब ये एक्सेप्शन है। तो आंसर क्या होगा, सी। सोलर एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फोटोवोल्टाइक सेल के थ्रू कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल करेंट अफेयर्स वाला है, तो मैं सिंपल आज का आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका बी, दोनों करेक्ट है। जो 45 वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था, और इंडियन टीम सिल्वर मेडल जीता था। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब वो लोग जो काम करते हैं, ठीक है ना, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 15 से 59 वाले हैं। काराकुम डिजर्ट, काराकुम डिजर्ट कहाँ पे, ताजिकिस्तान में, याद रखना ताजिकिस्तान में। इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट, ध्यान देना इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट 1946 में। अब इसके आप मिनिस्टर के नाम थोड़े याद रख सकते हो, जैसे बलदेव सहाय ये डिफेंस मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर थे जान सकते हो कौन थे प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ मिनिस्टर का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस कब हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस हुआ था 24, देखो काफी कंफ्यूज, काफी रिलेटेड ऑप्शन, मतलब क्लोज ऑप्शन है, 24 अगस्त 1946। रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक द रिलीजियस सिंथेसिस, देखो रॉक एडिक्ट जो इसका था उसमें रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में किस रॉक एडिक्ट में बोला था, ये था 12वां वाले में। टोटल 14 मेजर एडिक्ट है ना, 13वां वाले में उन्होंने क्या बोला है,
13वां वाले में बोला है कलिंगा पे लड़ाई के बारे में बोला है, कलिंगा वॉर, और उसके बाद कैसे उन्होंने धर्मा को अपना लिया उसके बारे में बोला गया है। उसके बाद 11वां क्या है, धम्मा के बारे में बताता है, एक्सप्लेन करता है धम्मा के बारे में, एक्सप्लेन, ठीक है ना। और ये तो देख लिया। 12वां क्या है, यही बात करता है रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में, 12वां बाद में बात करता है। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड जो रॉ क्रेडिट है ना उसमें सदर्न किंग के बारे में बात किया गया है, जिसमें चेरा चोला पांड्या के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट इकोमार क्या है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ऐसा प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, उसको उस पर इको मार्क होता है, जैसे ISI मार्क इस तरह का मार्क होते हैं ना, इको मार्क है उसमें। नेक्स्ट है ये सेंटर है और कुछ इंडस्ट्री के बारे में है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है और ऐसी चीज़ें आपसे पूछ लेती हैं। जैसे ये देखिए ओशाका, ओशाका में कॉटन टेक्सटाइल फेमस है, और सेंट पीटर्सबर्ग, देखो अगर बात करो ये बिल्कुल ऐसा है जो सबको पता होता है, सेंट पीटर्सबर्ग में सीप बिल्डिंग होती है, तो अगर ये एक इन्फॉर्मेशन पता है ना तो भी आपका काम बन जाएगा। क्यूबा, क्यूबा में सिगार मिलता है, सी से सी याद रखना है। डिट्रॉयट, डिट्रॉयट में ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट क्या है, हु इज द रिकॉर्ड होल्डर फॉर ए सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाई नासा एस्ट्रोनॉट अब्रॉड द इंटरनेशनल अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये भी प्योरली करेंट अफेयर्स का ए आंसर है, मार्क बैंडे है। उसके बाद हुई वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल है उसमें से ये कौन सा गोल नहीं है। देखो जीरो हंगर है, नो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी सब है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, ये सब है, लेकिन स्पेस रिसर्च कहीं भी नहीं है। तो ये आप डायरेक्टली गेस भी कर सकते हैं कि स्पेस रिसर्च का कहाँ लेना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हम लोग के लिए, आम लोग के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 है, उसमें से 13 को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत डेजिग्नेशन मिल गया है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। यहाँ पे देखिए मनास, मनास कहाँ पे, मनास आपको मिलेगा आसाम में। सुंदरबन तो हम सबको पता है वेस्ट बंगाल में, अगर नहीं पता है अगर देख लेते क्या है, इनसे काम चल जाएगा, B4 यही से काम चल जाएगा। तो अब देख रहे हो ज्यादा ऐसा ऑप्शन लपेटा नहीं जा रहा है, हल्का हल्का पूछ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है तो भी काम पर चल जा रहा है। सुंदरबन, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी ये नंदा देवी ये उत्तराखंड होना चाहिए। तो डी का क्या लगाया हुआ है, डी का नहीं सॉरी सी का 2, लेकिन है ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट है फ्रॉम हुइच प्लेस जायाता एंड कुंपा वेर एसोसिएटेड, जायाता एंड कुंपा वेर एसोसिएटेड, हु इम्प्रेस शेर शाह विद देयर वैलो, ये वहां की कम्युनिटी है, कहाँ की कम्युनिटी है, मालवार या मरवार या मेवार, ये आपको बताना है, ये एक्चुअली मरवार कम्युनिटी। नेक्स्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ देते हैं, लेकिन आपको याद रखना तो रख सकते हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं यूपी से, ठीक है, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि 75 याद रखना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है ना। और इसमें बागवत का एक गलत है, आप थोड़ा वेबसाइट पे देख, आपको मन होगा ना तो आप देख लेना, 1D1P ये वेबसाइट का नाम है, एक बार प्रोडक्ट देख, बाकी सब करेक्ट है। इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये देखो इससे क्वेश्चन आपको आएगा, छोड़ना नहीं है। इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको बताना है, किसने ग्रोथ बताया कि ग्रोथ हुआ। अब एक चीज मैं आपको सीधा से डायरेक्टली बोलता था, नॉर्थ ईस्ट में पहले से बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में ग्रोथ की बात सोचना भी थोड़ा बेमानी हो गई, क्योंकि वहां पे तो अब लोग रहने आ रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम तो आंसर में होगा नहीं, आंसर है ए आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप थोड़ा ये गेस कर सकते थे। कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। जैसे देखो ये बना था 1992 के आसपास, 1998 के आसपास, समाजवादी पार्टी 1992 के आसपास, बहुजन समाजवादी और बाद में बना था। तो एक बार हम गेस करते हैं कि 2 के बाद बना है 4, और उसके बाद बना है 1, 2 के बाद बना है, 2 के बाद बना है बहुत पहले, ये 1984 में ही बना हुआ है याद रखना, 1984। और तेलुगु देशम पार्टी और पुरानी है, तो पहले 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। ये भी देखो चुनाव आया इसलिए पूछा, बिना चुनाव के ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बिम्स्टेक का जो इस बारी का सेशन हुआ ना 5वां, वो 30 मार्च को हुआ, लेकिन जो समिट को हेड इंडिया नहीं कर रहा था, श्रीलंका कर रहा था, तो
ए करेक्ट है। सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन है, जिसको हम ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी बोलते हैं, ज्योतिबा फुले। कॉमनवेल्थ के बारे में क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ ऑब्वियसली क्योंकि गेम चल रहा था उस समय, तो कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंगम में हुआ इस बारी 2022 वाला, और अगला वाला कहाँ पे, विक्टोरिया में, तो दोनों करेक्ट है। अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ ए टेबल सेट ऑफ ग्लास, देखो सिंपल होमोजीनियस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिससे सनलाइट पास हो तो कोई रोकने वाला नहीं हो, जैसे चीनी पानी मिला दिया, एक बारी जब घुल जाएगा तो बाहर से देखने में पता भी थोड़ी चलेगा कि भाई चीनी मिला हुआ है। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन में अगर होमोजीनियस है तो उसका कंपोजिशन शुरू से अंत तक बराबर रहेगा, हैविंग डिफरेंट नहीं, हैविंग कॉमन, या हम बोल सकते हैं बराबर कंपोजिशन रहेगा पूरे सॉल्यूशन में, उसको होमोजीनियस कहेंगे। तो रीजन ही गलत है क्योंकि ये बात जो किया है चीज वो हेट्रोजीनियस के लिए किया है, तो सिर्फ ए करेक्ट है, और मतलब अगला गलत है, तो बी। यहाँ पे आपको ध्यान से देना है, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान से आपको देख के करना है। नेक्स्ट है, कुछ किताबें हैं, कुछ टेक्स्ट है और उसके राइटर के नाम दिए हुए हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। रागमाला, रागमाला क्या है, पौंद्रिक विट्ठल, रक्षा कौमुदी श्रीकांत, रक्षा कौमुदी श्रीकांत, राग विरोध ये है सोमनाथ, और चौधरानी सॉरी चतुर दंडी प्रचिका ये क्या है, वेंकट रमन, ठीक है ना, ये थोड़ा वर्ड देख लेना, तो ए करेक्ट है आंसर है इसके। अब अगला देखो, ये देखो ये काफी जनरल क्वेश्चन है कि 20th सेंचुरी में पॉवर्टी बहुत ज्यादा था, अभी भी आज भी है, और स्ट्रेटेजिकली क्योंकि लैक ऑफ टारगेटेड था तो दिक्कत नहीं था, ए करेक्ट आंसर है। अब देखो ये डे इंपॉर्टेंट है, डे में मान लो तो मुझे आता है बिल्कुल सिर्फ ये आता है, ठीक है ना, तो 29 जुलाई को हमको पता है इंटरनेशनल टारगेट डे है, क्या मिल पा रहा है, देखो दो ऑप्शन तो हमने वैसे भी हटा लिया, अब इसमें देखो कौन सा सेम है, कोई सेम नहीं है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक चीज़ और, मैं बायोडाइवर्सिटी वाला 22 मई मुझे याद है, तो बी का चार, बी का चार, तो ये करेक्ट हो गया से। अब बाकी देख लेते हैं, 18 अप्रैल को किसका है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, और 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ पेगु योमा रीजन, म्यांमार में एक रीजन है पेगु योमा रीजन, वहां पे एक मिनरल मिलता है, वहां पे कौन सा मिनरल मिलेगा, पेगु योमा रीजन के पास वहां पे मिनरल वायल मिलता है, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे टेक्स्ट करना, आपके कोर्सेस आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अभी मैं बोलना चाहूँगा कि आप घटना चक चाहे खुद से करो, लेकिन प्लीज करके जाओ, ठीक है ना, यहाँ पे हम वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं घटना चक को, जो MCQ के फॉर्म में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में बात छप जाए, लिंकेजेस हम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।